रेड कार्पेट लुक है तो फिर आप देख ही रहे हैं कि मैंने क्या पहना हुआ है. और दिस इज़ अ ग्रे ड्रेस जो मेरी फ्रेंड डिज़ाइनर है जिन्होंने मेरे लिए डिज़ाइन किया है ये. एंड आई थिंक आई एम लुकिंग प्रीटी गुड. आर्टिकल ऑनेस्टली मैंने अभी तक इतना फॉलो नहीं किया है IWM के आर्टिकल को, लेकिन अब मैं प्रॉमिस ये करने वाली हूँ और मैं बहुत ज़्यादा पता करने वाली हूँ. अंदर जाते ही मैं देखूँगी कि क्या हो रहा है इवेंट, बिकॉज जैसे मुझे पता लगा कि मुझे इवेंट अटेंड करना है तो या आई एम प्रीटी एक्साइटेड. लेट्स सी अब अंदर जाके क्या होता है. वेरी एक्साइटेड. आई थिंक ये अवार्ड हर साल बेहतर होते जा रहे हैं एंड इट्स ऑलवेज गुड व्हेन यू नो थोड़े से हटके हैं. देयर नॉट योर रेगुलर टेलीविजन अवार्ड्स, कुछ अलग कैटेगरीज हैं, तो आई थिंक इट्स समथिंग डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी. इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर एवरीबॉडी. वेल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं. और IWM बर्स को मैं थैंक्स करना चाहूँगा, कलर से थैंक्स करना चाहूँगा एंड सिस्का स्टाइल अवार्ड. आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम नॉमिनेट हुआ इस अवार्ड के लिए, तो नो डाउट आई एम वेरी वेरी हैप्पी. ज़्यादा टाइम लगा नहीं क्योंकि मैं डायरेक्टली शूट के बाद आई हूँ, सो आई डिडंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. बस साड़ी निकालनी पड़ी टू गेट इनटू दिस, तो एंड थोड़े से बाल गीले कर दिए मौसम ने, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगा. आई थिंक आज मेरे मियाँ जी को ज़्यादा मुझसे वक्त लगा है. मेरे को तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा, मैं तो शर्ट पहननी भी भूल गया जल्दी जल्दी में. सो हम लोग तो पूरे मानसून प्रेपरेशन से आए हैं, सो आई थिंक आज तो बिल्कुल समय नहीं लिया. मुझे तो है काफ़ी एक्साइटमेंट एंड आई रियली वांटेड टू कम. आई डोंट नो व्हाई बट आई रियली वांटेड टू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस. बहुत टाइम हो गया दैट वी विजिटेड लाइक अ गैदरिंग लाइक दिस, राइट? सो यू नो आज के लुक के बारे में जानना चाहेंगे, वेरी कैजुअल, तो किसका आइडिया था? यार मैं रिहर्सल से आया तो मुझे पता नहीं, ये मैडम तैयार हो गया है, फुल डेक्ड अप है, इनसे पूछ लीजिए. मेरे पास टाइम था तैयार होने का तो मैं तैयार हो गई. आई एम जस्ट वेयरिंग अ रेगुलर सूट. यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बट मोर देन फॉर मी एक्चुअली मैं अपने लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बट वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर लिज. लिज इज समन हु हैज ट्रांसफॉर्म्ड मी. वो हमेशा मेरा ख्याल रखती हैं और मेरे टीम में है एंड शी इज़ द वन हु डज माई हेयर एंड आई एम नॉमिनेटेड टुडे फॉर बेस्ट हेयर मेल. मैं सोचा नहीं था फैशनली इम्पेयर होने के बाद मैं नॉमिनेट हूँ, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. एक्चुअली मुझे पता नहीं है क्या डिफरेंट कैटेगरीज है. ओके सो दैट इज़ नाइस, इंटरेस्टिंग. एक्चुअली हेयर स्टाइल एंड ऑल के लिए भी अवार्ड मिलने लगे तो क्या बात है, मतलब मैं अच्छे हेयर स्टाइल करके आना चाहिए नेक्स्ट टाइम से. आई एम वेरी मच पार्ट ऑफ दिस फैमिली सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड IMW इज़ लाइक अ इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, सो आई एम सो हैप्पी दैट आई एम योर एंड इट्स काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन क्योंकि सारे एक्टर्स साथ में आते हैं, ये बहाना है सबसे मिलने का. सो आई गेस इट्स अ ग्रेट इवनिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमेशा IWM बस कुछ ना कुछ एक्साइटिंग रखते हैं एंड आई थिंक देयर मस्ट बी समथिंग एक्साइटिंग. बहुत एक्साइटेड हूँ, इट्स पोरिंग आउटसाइड, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. So really looking forward to this party. I love rain, so I'm all set in the mood. I think teen categories hai jiske liye main nominated hu. So let's just hope ki jo bhi hai acha hoga and mere fans ne itna pyar jo diya hai, itna voting kiya hai, so I just hope ki you know it goes well. मैं बेसिकली मोस्ट ऑफ द पार्टीज़ और इवेंट्स के लिए एक्साइटेड होता हूँ बिकॉज मुझे बहुत कम टाइम मिलता है ऐसे कपड़े वपड़े पहनकर किसी पार्टी में जाने के लिए बिकॉज मैं अधनंगा टीवी पर आता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर, थैंक्स टू IWM टू इनवाइट मी हियर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट एवरीबॉडी. मेंटली फिजिकली कितना तैयार होना पड़ता है ऐसे के लिए? इट्स जस्ट व्हेन यू आर इनवाइटेड टू एन इवनिंग व्हिच इज़ fun and frolic, I think all you need to do is just relax, calm your mind and dress up well and come. That's what I've done. Yeah, it's very different actually. When I saw the nominations, it was very surprising for me to see those nominations, those categories and to be nominated in one of those. So yeah. It's very interesting actually. Yeah, something it's different. It's something that you know, you think that, achha, this one is getting, oh, actually. That's... And then you start looking that, you know, at that person if you don't know them, like I don't know a lot. Yeah. So then, you know, I'm like, achha, this person is getting for hair, this person is getting for that. So I'm like, oh, really? And then you know, backtrack. It's good fun. मुझे एक्चुअली इतना आइडिया नहीं है उसके बारे में, लेकिन मैं इट इज़ वेरी गुड कि अप्रिशिएट कर रहे हैं जो भी सब लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना हार्डवर्क करते हैं और उसका अप्रिसिएशन मिलना चाहिए. तो जो भी लोग उसमें नॉमिनेटेड हैं या जिनको भी मिलने वाले हैं और उनके लिए आई वांट टू विश देम
all the best और देखते हैं क्या होगा. I'm just excited that Barkhout dragged me out for the party because I hardly go to any parties and I've just come. इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि शायंतनी कभी बाहर जाने के लिए excited नहीं होती है. So yeah, I'm glad she's finally come though because I managed to pull her out of the house every time. Yeah, and I'm happy she did and many congratulations to Indian Wikimedia for you know for their great going and wishing them all the best for the future. मेरे ख्याल से जो भी यहाँ आ रहा होगा सबके सब excited ही होंगे यहाँ पे. I think this is their second anniversary. Yeah. Everybody is excited about it. बहुत एक्साइटेड हूँ. मतलब जब से डिजिटल का ये प्लेटफॉर्म आया तब से मतलब ये दिन 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 रात चौगने बढ़ते जा रहे हैं. इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा बिकॉज दे आर वेरी गुड पीपल. और एक्साइटेड ये हूँ कि बहुत सारे दोस्त मिलने वाले होंगे शायद मुझे. वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज इंडियन विकिमीडिया के साथ बहुत ही यू नो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. काफ़ी टाइम से वी बीन टुगेदर सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. एंड जब भी यू नो दैट पार्टी का इन्विटेशन कम्स कि यार वी आर हैविंग द इंडियन विकिमीडिया बैच सो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज यू नो यू गेट टू मीट पीपल एंड गेट टुगेदर होता है विद ऑल द पीपल एंड ऑल योर फ्रेंड्स एंड को एक्टर्स. सो येस आई एम तो वेरी एक्साइटेड टू मीट ऑल माई फ्रेंड्स. And yeah, let's hope the party is a good success. मुझे तो कभी नहीं आइडिया होता है यार कि मैं नॉमिनेटेड रहता हूँ कि नहीं रहता. बट एक्साइटेड तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि IWM इज़ वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल जैसे जर्नलिज्म कहते हैं ना तो वो मुझे अच्छा लगता है. एंड इट्स गुड इट्स अ लिटिल पार्टी एंड एवरीवन इज हियर टू एंजॉय. दिस इज का स्टाइल अवार्ड्स टुनाइट एंड obviously you know since I'm growing I'm a teenager now so mera inclination hai thoda fashion ki aur. And even I am kind of, you know, trying to show my own taste and my own style to the audience by all the different outfits that I wear, and I'm really looking forward to the night. आने के बाद तो मुझे पता चल रहा है कि इतने सारे लोग, इतने सारे friends और बाहर अगर आप देखो इतनी तेज बारिश हो रही है. मैंने सच में नहीं उम्मीद की थी कि सब लोग अपना काम छोड़ने के बाद यहाँ पे इतने भीड़ के साथ आएंगे. I am really excited, and of course बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बधाई सारे IWM बस के लिए. और यस आई एम वेरी एक्साइटेड. और थोड़ा सा वैसे हो रही कब अंदर जाऊंगी, किस किस को मिलूंगी, क्या सिर्फ गॉसिप्स लेकर आऊंगी एंड ऑल. ओ आई थिंक हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशंस टू IWM बस थर्ड ईयर. इट्स फैंटास्टिक. आई थिंक दे हैव डन अ गुड जॉब एंड सो फार आई थिंक द एंटरटेनमेंट वैल्यू व्हिच दे गिव टू द इंडस्ट्री इज फैंटास्टिक. लास्ट टाइम आल्सो आई वाज हियर एंड दिस टाइम आल्सो आई एम हियर. Yeah, of course I'm excited. So, I don't know who's taking my interview. Well, मुझे categories पता नहीं है क्या क्या categories हैं. But yes, I'm definitely excited to see the categories. के what categories हैं. And different categories means what different. I am excited to see that. आज की शाम I'm sure बहुत ज़्यादा हसीन होने वाली है. और मैं तो directly shoot से आई हूँ. I'm like very tired but very excited for the party. ये मैं बहुत time के बाद I'm like doing party. Yeah. I'm really excited and I think I just want to wish them a lot of congratulations and I hope this keeps getting bigger and bigger with every passing year. हाँ हम बहुत ही excited हैं actually. We've just come directly from shoot. और इतनी बारिश हो रही है कि आई एम लाइक जस्ट ज़ोन्ड आउट. बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द अवार्ड्स एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट डीजे रिंक. ओ या रिंकू इज प्लेइंग. इतनी बारिश में अगर हम लोग आए हैं तो ऑब्वियसली वेरी एक्साइटेड फॉर इट एंड यस लुकिंग फॉरवर्ड टू सी व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड. एंड यस डीजे रिंक यू गोना रॉक इट एंड IWM बज़ यू गाइज़ आर अमेजिंग.